हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सटबुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ वेरी स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड द टॉपिक इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। जी हाँ, रिसेंटली आपने सुना होगा, मोदी साहब ने अपने एक स्पीच के अंदर इसका अनाउंसमेंट किया दैट इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसे डेवलप किया जाएगा। सो दिस आइडिया इट बिलोंग्स टू इंडिया। इस आइडिया को सबसे पहले पूरे वर्ल्ड के सामने हमारे पीएम साहब के द्वारा रखा गया। तो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होते कि एग्जैक्टली इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस किस कंट्री के द्वारा अनाउंस किया गया या किसके द्वारा इसकी सबसे पहले बातचीत की गई। अब ये अलायंस क्या है, इसमें एग्जैक्टली क्या क्या चीजें आने वाली है, सो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम इस सेशन के अंदर लेते हैं, और एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, किस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिग कैट अलायंस। आप यहां पर देख सकते हो, so you can see the jaguar, snow leopard, cheetah, tiger, lion, leopard and puma, these are the cats, these are the big cats जिसके alliance की बात यहाँ पे हमारे PM साहब के द्वारा की गई है। ना दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर बातचीत हो रही है, क्या क्या टॉपिक्स के ऊपर यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है। जस्ट वन सेक, यस, सो आई विल टॉक अबाउट इट, इसके ऊपर बात कर। देखिए, द प्रपोजल ऑफ अलायंस विल प्रोवाइड एश्योर्ड सपोर्ट ओवर द 5 ईयर्स। सो ये जो अलायंस बनेगा, इस अलायंस के अंदर जो भी कंट्रीज इन्वॉल्व रहेगी उसको एक एश्योर्ड सपोर्ट दिया जाएगा बाकी सारे कंट्रीज के द्वारा, स्पेशली इंडिया। इंडिया की बात अगर की जाए तो अभी टाइगर पॉपुलेशन अनाउंस किया गया और इंडिया का टाइगर पॉपुलेशन ऑब्वियसली इंक्रीज हुआ है। 3167 इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, जो अभी रिसेंटली रिपोर्ट में मेंशन किया गया। अगेन, इस रिपोर्ट को भी मोदी साहब के द्वारा ही रिलीज किया गया। अब देखते हैं यहां पे कितना पैसा खर्च होने की बात हो रही है, तो नियर अबाउट $100 मिलियन का यहां पे डिस्कशन है, 800 करोड़ के आसपास या उससे ज्यादा का पैसा यहां पे खर्च किया जाएगा। 7 बिग कैट्स जिनके ऊपर मैंने थोड़ी देर पहले आपके साथ बात की, तो ये आप देखते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर एंड द चीता, इन एनिमल्स की यहां पे बात हो रही है। तो कितने कंट्रीज यहां पे रहेंगे, कितने कंट्रीज का मेंबरशिप यहां पे रहेगा, सो 97 रेंज कंट्रीज की बात की है। 97 रेंज कंट्रीज, देखिए इसमें से कुछ कंट्रीज ऐसी है जहां पे शायद इन 7 बिग कैट में से कोई भी कैट ना दिखाई दे या इस कंट्री से उनका कोई ओरिजिन भी ना हो, स्टिल रेंज कंट्रीज है, बिकॉज एनिमल का एक रेंज होता है, एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस माइग्रेट करते, इसलिए रेंज कंट्रीज ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया गया है, बहुत जरूरी कंसेप्ट है रेंज कंट्रीज। तो देखिए, कई बार क्या होता है कि सपोज आपको कोई एनिमल किसी एक कंट्री में ना दिखाई दे के वो मूव करे, इसीलिए इनकी बात की। साथ में यहां पे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और एनी अदर इंटरेस्टेड नेशन कैन आल्सो बिकम द पार्ट। सो अगर ये 97 कंट्रीज छोड़ के किसी और कंट्री को भी इसका पार्ट बनना है तो मोस्ट वेलकम, बिकॉज बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है, दे हैव द मनी, दे वॉन्ट टू स्पेंड द मनी, दे वॉन्ट टू गिव दैट मनी फॉर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, सो वो कंट्रीज भी यहां पे पार्ट बन सकती है, साथ में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एक्टिविटीज क्या रहेगी, वन ऑफ द एक्टिविटी आप यहां पे देख सकते हो, एंगेज इन एडवोकेसी, पार्टनरशिप, नॉलेज, ई पोर्टल, कैपेसिटी बिल्डिंग, इको टूरिज्म, पार्टनरशिप बिटवीन द एक्सपर्ट ग्रुप्स एंड द फाइनेंस टैपिंग। सो ऑब्वियसली यहां पे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इन एनिमल्स के अराउंड क्रिएट किए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूं, चीता हमारे कंट्री में नहीं थे तो हमें अफ्रीकन कंट्रीज द्वारा हेल्प मिली हुई है। सो इसी तरीके से हम एक दूसरे को मदद कर सकते हैं, डेवलपमेंट भी यहां पे काफी सही तरीके से होगा। देखिए, डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन ऑन द बेंचमार्क प्रैक्टिसेस। अब इंडिया के अंदर टाइगर का पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन कंट्रीज इज इंडिया, सो ऐसे सिचुएशन में हम एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। देन यहां पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर भी रहेगा, एक जैसे वर्ल्ड बैंक IMF में गवर्नेंस स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर यहां भी क्रिएट किया जाएगा। यहां भी सेक्रेटरियट बनेगा, जनरल असेंबली क्रिएट होगी, 15 मेंबर कंट्रीज का सेक्रेटरियट बनाया जाएगा, और ये सब कुछ आइडिया इंडिया के द्वारा दी गई, तो हेडक्वार्टर इंडिया के अंदर ही क्रिएट करने की यहां पे बात हो रही है, बनाने की यहां पे डिस्कशन हो रहा है, तो ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। अब इंपॉर्टेंस क्या है, सिंपल है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडायवर्सिटी, यही से शुरुआत होगी, क्योंकि अगर आप फूड चेन की बात करते हो बिग कैट सबसे टॉप में आती है, तो बायोडायवर्सिटी मेंटेन करने के लिए, एनवायरमेंट मेंटेन करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। अब इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है,
जैसे मैं कह रहा था कि दिस थिंग्स ऑब्वियसली गोइंग टू जनरेट बिकॉज ऑफ टूरिज्म, टूरिज्म के वजह से इनकम जनरेशन है। अभी मोदी साहब बंदीपुर नेशनल पार्क गए थे, इंडिया के टाइगर पॉपुलेशन के बारे में बात की, इंडिया में काफी सारा टूरिज्म आता है और टाइगर पॉपुलेशन उनको अट्रैक्ट करता है, क्योंकि टाइगर देखना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एंड दैट्स व्हाई दिस इज द केस। देन कल्चरल सिग्निफिकेंस, माइथोलॉजी होती है या फिर बाकी कोई भी कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें टाइगर या बिग कैट्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। देन इकोसिस्टम सर्विसेज, नो डाउट अबाउट दैट, मैंने कहा था फूड चेन, एंड देन द साइंटिफिक वैल्यू वो तो रहेगी। सो दीज आर सम पॉइंट्स। अब ये जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द बिग कैट्स, ये यूपीएससी जैसी एग्जाम के लिए काफी मैटर करेगा, या इवन कोई बड़ी एग्जाम है जहां पे एनवायरमेंट ये सब्जेक्ट बनता है, इकोलॉजी ये सब्जेक्ट बनता है, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। बैंकिंग में शायद डायरेक्ट हेल्प आपको इन पॉइंट से ना मिले। अब चैलेंजेस क्या है, सबसे बड़ा चैलेंजेस है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। जी हाँ, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, जो फॉरेस्ट है, जो हैबिटेट है, वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। सो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। कई बार हम देखते हैं कि कोई लेपर्ड किसी एरिया में घुस गया, या कहीं पे टाइगर देखने को मिल गया, कहीं पे लायन घुस गया। सो ये सारे एग्जांपल्स कई बार होते हैं बिकॉज ऑफ हैबिटेट लॉस। पोचिंग एंड इनलीगल ट्रेड, ये तो हमेशा से प्रॉब्लम रही है। देन क्लाइमेट चेंज, जी हाँ, बिगेस्ट प्रॉब्लम। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, जिसका एग्जाम्पल हमें देखने को मिला कि चीता इंडिया में लाने के लिए इतने साल लग गए। इंडिपेंडेंस के बाद ही चीता इंडिया में एक्सटिंक्ट हो गया था, स्टिल उसे लाने के लिए इतने साल लगे। तो पॉलिटिकल विल बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। थैंकफुली आज के डेट में ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हमारे देश के लिए नहीं है, बिकॉज पॉलिटिकल अनाउंसमेंट के अंदर ही ये हम अलायंस की डिस्कशन कर रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ बिग कैट्स इन इंडिया। इंडिया में बिग कैट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या लिया, 50 साल हो गए इस प्रोजेक्ट टाइगर को, जिसके बारे में अभी मोदी साहब ने मेंशन किया था, और तभी मोदी साहब ने कहा कि इंडिया के अंदर 3167 नंबर ऑफ टाइगर्स आर देयर। द नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी 2005 में बनाई गई, अ स्पेशल अथॉरिटी, और इंडिया बिकम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू क्रिएट सच काइंड ऑफ अथॉरिटी। देन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास है 1972, जिसके अंडर आज हम केवल टाइगर ही नहीं, केवल बिग कैट्स ही नहीं, बाकी भी एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारे पास है, इकोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसे किया जाए इसके ऊपर काम करते हैं, और यहाँ पे लोकल कम्युनिटीज का इन्वॉल्वमेंट बहुत बड़ा है। इंडिया की इसके लिए बहुत तारीफ की जाती है कि लोकल कम्युनिटीज के साथ मिलकर इकोलॉजी डेवलप की जाती, इकोलॉजी को प्रोटेक्ट किया जाता है, एंड विच इज अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। एंड देन एम स्ट्राइप्स की बात करते हैं। एम स्ट्राइप्स बेसिकली जीपीएस सिस्टम, मोबाइल टेक्नोलॉजी और छोटे छोटे कैमरास की मदद से कितने, जो हम लोग चेक करते हैं ना कि हमारे पास कितने टाइगर्स है, जो नंबर दिए गए, ये इसी टेक्नोलॉजी की मदद से ये नंबर्स दिए जाते हैं, मॉनिटरिंग की जाती है, हमें पता चलता है कि कोई टाइगर की डेथ हो गई, या कोई टाइगर ने कोई और कब्स को बर्थ दिया है, या फिर कहाँ पे एग्जैक्टली एनिमल पाया गया था लास्ट टाइम। ये सारी जो चीजें ये इसी प्रोजेक्ट के अंदर हमें पता चलती है, एंड दैट्स द केस। सो दोस्तों, ये है बिग कैट अलायंस, अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कितनी कैट्स की बात की जा रही है, कितनी कंट्रीज की बात की जा रही है, कितना पैसा दिया जाएगा, ये सारे टॉपिक्स है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आप बड़ी एग्जाम दे रहे हो जहां पे आंसर राइटिंग है, या जहां पे थोड़े स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो इंपॉर्टेंस एज वेल एज द चैलेंजेस है उसके अराउंड भी क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। दोस्तों, टेस्ट बुक हमेशा आपके लिए एक बेहतरीन सी मॉक टेस्ट लेके आता है सारी एग्जाम्स के लिए, और इन मॉक टेस्ट के साथ आपको कुछ बेहतरीन सी बढ़िया सी ऑफर भी दी जाती है, ताकि स्टूडेंट का एक मोटिवेशन बना रहे। तो यहाँ पे आपको प्रीमियर लीग की टिकट्स मिल सकती है। सो अगर आप पास बाय करते हो 269 के अंदर बाय यूजिंग दिस कोड, कोड देखिएगा पुष्पक पास इज द नेम ऑफ द कोड, ये कोड अगर आप यूज करते हो तो 269 में आपको ईयरली टेस्ट बुक पास मिल जाएगी, और साथ में आपको यहाँ पे आईपीएल का टिकट जीतने का मौका मिलेगा। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, अ वेरी ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेशन में, छोटे छोटे वीडियोस के साथ जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स के अंदर हम आपके लिए कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ते रहिएगा। बाय दोस्तों।